गेमिंग आता तो क्या हाल यार आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के साथ। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में यार फाइनली टाउन हॉल 15 हमें देखने को मिला, और सो रिकॉल स्पेल एंड इलेक्ट्रो टाइटन भी हमें देखने को मिला, जिसकी ऑन स्क्रीन एक झलक आप देख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो हाल ही में स्काउट ने एक न्यू ब्लॉग अपलोड करा जिसका टाइटल भी आप पढ़ पा रहे होंगे। अब उस ब्लॉग में यार उनके डेटिंग के रिगार्डिंग भी हमें एक छोटा सा सिनेरियो देखने को मिला, तो वो कैमियो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। 10 बार रिकॉर्ड करने वाले को मेरे को सीखना है, मेरे को आज कुछ एक नया चीज सिखाने वाले हैं। मुझे पता चला तू किसी को डेट कर रहा है स्काउट। ऑफ कैमरा बात है। अच्छा मेरी बात है ऑन कैमरा हो रही है स्ट्रिक्स की, तेरी बात है कि ऑफ कैमरा, क्योंकि बहुत डिमांड है यार मेरे, दैट्स माय जॉब पे। अरे अगले दैट्स माय जॉब में थोड़ा हिंट दे दूंगा पक्का। लोगों को ऑलरेडी पता है तुझे, ऐसा नहीं लगता? देखो पता होना और बोलने में और डिक्लेयर करने में डिफरेंस है। एग्जैक्टली एनवायरनमेंट। एंड आपका इस चीज के बारे में क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं जोनाथन के बारे में। तो हाल ही में जोनाथन ने यार खेला था नो जायरोस्कोप, और सो वो 20-30 FPS पर भी खेलते हैं, एंड यार इसके बाद डेफिनेटली वो वहाँ पे किल्स नहीं निकाल पा रहे थे। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल दोस प्लेयर्स जो यार लो एंड डिवाइसेस में बीजीएमआई खेलते थे एंड ई-स्पोर्ट्स में यार ग्राइंड कर रहे थे। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं बीजीएमआई के बारे में। तो हाल ही में यार एक कन्वर्सेशन में देखने को मिली थी बीजीएमआई के सर्वर्स को लेकर कि एक महीने में तकरीबन बीजीएमआई के सर्वर्स डाउन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अब यार इसके बाद काफी लोग ये अजम्पशन लगा रहे थे कि बीजीएमआई के सर्वर्स एक महीने में डाउन हो जाएंगे और एक महीने में सर्वर खत्म हो जाएगा। बेसिकली यार वहाँ पे वो क्रिएटर्स फन कर रहे थे, एंड बीजीएमआई के सर्वर डाउन होंगे या बीजीएमआई वापस आएगा नहीं आएगा उस चीज के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। और सो मॉर्टल से पूछा जाता है कि क्या बीजीएमआई परमानेंट बैन होगा, तो फर्स्टली मॉर्टल यही कहते हैं कि यार कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, हालांकि यार उनको भी वेट है कि गेम कब वापस आता है। मॉर्टल बीजीएमआई आएगा या नहीं परमानेंटली तो नहीं गया भाई, कोई चीज परमानेंट नहीं होती यार, लेकिन पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो चल रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ आया नहीं है। बट अभी तो यार मेरा मन तो पूरा लग चुका है डाइवर्सिफिकेशन में। नहीं मेरे को तो डाइवर्सिफिकेशन अभी एक न्यूज आया है। क्या क्या बहुत खतरनाक न्यूज है। क्या न्यूज है बताओ? 21 ईयर ओल्ड अपने बहन को मार दिया फॉर फ्लर्टिंग विद हर बॉयफ्रेंड इन वैलोरेंट। हाँ मैंने भी सुना, सुना मैंने 3-4 दिन पहले सुना। ये रियल है क्या? हाँ पता नहीं, आई थिंक रियली होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम डायनेमो के बारे में। तो काफी डायनेमो फैंस है डिसअपॉइंटेड थे कि डायनेमो रेगुलर स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे, तो उसका रीजन ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे? अरे एक्चुअली उसका ना कंटिन्यू शूट चालू है, कंटिन्यू उसको 3-3-4 घंटे का ट्रैवल हो रहा है रोज का, तो उसके वजह से वो थोड़ा शूट में बिजी है। वो शूट का जो भी अपडेट है आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, और आई एम सो श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे वो सब शूट वगैरह देख के। जिस चीज का शूट चल रहा है उसने शायद बताया होगा, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो रिवील हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वैलोरेंट के बारे में। तो राइट ने यार ऑफिशियली वैलोरेंट के न्यू एजेंट के रिगार्डिंग एक टीजर अपलोड करा है, जो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। एंड मैंने भी आपको बताया था कि एक वाटर एजेंट रहने वाला है, एंड डेफिनेटली आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस। सागर की आंखें, आकाश में कान, जमीन पर हर इंसान की पलकी गिनना, 1000 आंखों के जासूस के साथ झूठों को पकड़ना, जल्द ही मिलते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से बात कर लेते हैं हम ड्रीम के बारे में। तो हाल ही में यार ड्रीम ने फेस रिवील करा था, एंड अभी उनकी एक फेस इंजरी भी हो चुकी है, एंड ये चीज बाहर निकल के आ रही है कि यार उनको ये नींद में हो गया, वो नींद में बिस्तर से नीचे गिर गए थे। अब यार इसके रिगार्डिंग काफी लोग ये रूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि उनकी कोई लड़ाई हो गई एंड समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फेस रिवील भी अभी हाल ही में हुआ था। वेल यार किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओवरवॉच 2 के बारे में। तो ओवरवॉच 2 का यार एक्सपीरियंस कैसा रहा वो ऑन स्क्रीन आप देख रहे होगे, और आप समझ सकते हो कि मतलब
कितना लैगी हो रहा है यार ये वाला गेम। अब वीडियो में आगे बढ़ने से बात कर लेते हैं हम SATL के बारे में। तो हाल ही में SATL के वैलोरेंट लाइनअप को लेकर यार काफी सवाल रेज हो रहे थे, तो सिड इसी चीज पर ऑफिशियली रिप्लाई करते हैं, ये कहते हैं, यू वांट टू सी अस इन वैलो एंड वी हियर यू, बिलीव मी इफ देयर वाज अ लाइनअप प्लेयर वर्थ साइनिंग आई वुड हैव अनॉयड द ओनर्स इनटू साइनिंग देम बाय नाउ, बी पेशेंट वी आर लुकिंग इनटू वैलोरेंट। यानी SATL की वैलोरेंट लाइनअप भी हमें जल्दी ऑफिशियली देखने को मिलेगी। और यार अब हम सिड की बात करें तो सिड यहाँ पर एक इवेंट को रिवील करते हैं जहां पर वे बताते हैं देयर इज लिटरली अ फिजिकल इवेंट फॉर द अपकमिंग न्यू एजेंट नेक्स्ट वीक इन मुंबई, राइट, गोइंग ऑल आउट फॉर इंडिया। वेल, दिस गोना बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग। तो बस यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ। गाइस, तो दिक्कत पता क्या हुई, मेरे घर पे ना दो राउटर मतलब दो इंटरनेट लगे हुए हैं, एक पर्सनल मतलब नीचे वाले फ्लोर पे और एक पीसी वाले फ्लोर पे गेमिंग के लिए। तो दोनों सेम उसके मतलब सेम कनेक्शन के हैं, तो अगर हम लोग राउटर चेंज करके सिर्फ राउटर चेंज करते हैं ना तो इंटरनेट चेंज हो जाता है। तो अराउंड दो महीने पहले मैं पता नहीं कहाँ से आया था या कहाँ पे था, जब लैन इवेंट से मैं घर पे आया था ना, तो मैंने दोनों राउटर ना एक्सचेंज किए थे क्योंकि नीचे वाले की स्पीड तब ज़्यादा थी, ऊपर वाली कम थी। और ऊपर वाले पे मैंने स्टैटिक आईपी लगवा के रखा होता। स्टैटिक आईपी होता है मतलब तुम्हारी स्पीड ब्रेक ना हो, तुम्हारा स्पेशल आईपी होता है अकेले आदमी का, इंटरनेट वालों की तरफ से ऑपरेटर ने दिया होता है कि इंटरनेट ब्रेक ना हो। तो ऊपर वाले पे था, जब राउटर एक्सचेंज हुआ ना तो बिना आईपी वाला ऊपर चला गया और आईपी वाला नीचे चला गया। तो आज तक दो महीने से अपन ने मतलब जो ये गेमिंग हाउस जाने से पहले जितनी भी हमारी स्ट्रीम रुकी या हमारी स्ट्रीम बंद होती थी, अपन इंटरनेट को गाली देते थे, वो सारी गाली अपने खुद को पढ़नी चाहिए थी।